बनाया गया ऐसा अनोखा पुल, यहाँ गांडी चलाना आसान नहीं। दुनिया में जब भी तकनीक की बात होती है उसमें जापान का नाम सबसे ऊपर आता है। उसकी वजह है जापान के वैज्ञानिकों के बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट। इन्हें प्रोजेक्टों में से एक है जापान का एशिमा ओहाशी ब्रिज। ये देखने में बेहद खतरनाक है। इस ब्रिज पर गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। अपने अजीबोगरीब डिजाइन के चलते ये पुल रोलर कोस्टर के जैसा नजर आता है। इस ब्रिज को ऐसा बनाने की मुख्य वजह थी व्यापार। दरअसल यह ब्रिज एक नाकाउमी नाम की लेक पर बना है जिसमें से शिप जाते हैं। ब्रिज को सीधा खड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि लेक में शिप को ब्रिज के नीचे से जाने में दिक्कत न आए। इस ब्रिज को बनने में 7 साल का समय लगा। इसका कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरू हुआ और 2004 में पूरा हुआ। 2 लेन में कंक्रीट रोड वाला ये ब्रिज 1.7 किमी लंबा है और इसकी चौड़ाई 11.4 मीटर है। इस पुल के 6.1% झुकाव शिमाने प्रांत की तरह और 5.1% झुकाव टोटरी प्रांत की तरफ है। कई कार कंपनियां अपनी गाड़ी की ताकत को दिखाने के लिए भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करती हैं। ब्रिज की खासियत देखते हुए देहात्सु मोटर कंपनी ने अपनी टांटो मिनी वैन के एड में इसका जिक्र किया है। एड में इस पुल के जरिए गाड़ी की स्थिरता की जांच की बात कही गई है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.